हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज की वीडियो मेरी वेदांता पे है। वेदांता से रिगार्डिंग ही एक न्यूज़ निकल कर आई गई है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की पूर्ववर्ती कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी शेष, मतलब आप कह सकते हो 29% तक की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए इस महीने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की शुरुआत कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने जिंक कंपनी के पिछले साल बाहर निकलने का फैसला किया था लेकिन कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड के प्रस्ताव के कारण योजना लटक गई थी। कई वही वेदांता बेचना चाहती थी अपनी हिस्सेदारी भी। वेदांता अपनी वैश्विक जिंक एसेट मतलब HZL को बेचना चाहती थी। कई विश्लेषकों का मानना था कि यह उसका पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाला सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की भारी नकदी का लाभ उठाने का प्रयास है। HZL में निदेशक के तौर पर सरकार ने मूल्यांकन के मुद्दों पर इस कदम का विरोध भी किया है। कई अगर हम बात करें तो वेदांता के प्रस्ताव की अवधि पिछले महीने खत्म हो गई है और अब सरकार अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ना भी चाहती है। अधिकारी ने कहा है कि निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग अब एक बिक्री पेशकश में तेजी लाने पर विचार कर रहा है जिसके माध्यम से शेष हिस्सेदारी संस्थागत और सार्वजनिक निवेशकों को बेची जाएगी। प्रवर्तक वेदांता समूह की HZL में 64% की हिस्सेदारी है जो जस्ता सीसा और चांदी का एकीकृत उत्पादक है। सो गाइस कहीं ना कहीं अगर आप वेदांता इस कंपनी की हिस्सेदारी का वो बेचना भी चाहती है एंड अभी भी उससे जुड़ी हुई है तो थोड़ी बहुत आपको हलचल वेदांता के शेयर प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। बाकी गाइस को रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं है। शॉर्ट पर्पज से वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।